ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली, आपका परिवार सब स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ऑरा क्लीन। माय डिवाइन फैमिली, सबसे पहले मैं आपका ऑरा क्लीन करना चाहती हूँ ताकि आपके आसपास का वातावरण जो है वो पॉजिटिव हो सके। जो भी आपके एनिमीज से, आपके दुश्मनों ने आपके लिए नेगेटिव वाइब्स भेजी, वो वहाँ से जा सके। जब आप पॉजिटिविटी को आसपास अपने महसूस करेंगे तभी हम कुछ काम पॉजिटिव कर पाएंगे और तभी हम लाइफ में अपनी आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे। तो आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, आप परमेश्वर परमात्मा का ध्यान कीजिए, जिस भी परमात्मा, परमेश्वर और ईश्वर शक्ति को आप मानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड आज। सबसे पहले हम ये हैंड रिटन कार्ड निकालते हैं, तो देखते हैं क्या परमेश्वर की गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स, 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 गाइडेंस फॉर माय व्यूवर्स। बी केयरफुल, पीपल आर जेलस ऑफ यू बट यू आर डिवाइनली कवर्ड। तो परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको बहुत सतर्क रहना है, आपके आसपास जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है और वो आपकी प्रगति को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, उन्होंने आपको चारों तरफ से कवर कर रखा है। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। तो बहुत अच्छी खबर है कि आप जो भी एरिया में है आप सक्सेसफुल होने वाले हैं और आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है, वो आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए नहीं रोक सकते हैं। जेलस मेल, तो कोई ऐसा जेलस मेल है जो आपसे बहुत जेलस करता है, बहुत जलन है या बहुत ईर्ष्या कह सकते हैं उसको है। तो ये देखिए कौन है वो जेलस मेल। और ये आपके लव रिलेशन के लिए, थर्ड पार्टी इज आउट एंड दे आर कमिंग बैक, बी रेडी फॉर रियूनियन। तो अगर आप जानते हैं कि थर्ड पार्टी में आप हैं, ऐसे ही आपको अपने आप जबरदस्ती अपने रिलेशन को खराब नहीं करना है। अगर आप श्योर हैं कि आप थर्ड पार्टी में हैं तभी इसे लीजिए, अदरवाइज इस मैसेज को छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा या आपके लिए नहीं होगा। तो जो भी थर्ड पार्टी में है और उनके पार्टनर के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम्स थी, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के और आपके पास वापस आ रहा है यूनियन, रीयूनियन के लिए। परमेश्वर चाहते हैं आप सेल्फ केयर पर ध्यान केंद्रित करें। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप सेल्फ केयर, अपना ध्यान दें अपने आप पे। हो सकता है आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो फैमिली की प्रॉब्लम्स की वजह से या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, बहुत होती है, या ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या जॉब की, किसी भी तरह की जिम्मेदारियां हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, सेल्फ केयर पर भी ध्यान कीजिए। तो आपको अपना ध्यान रखना है और अपनों का भी ध्यान रखना है। तो चलिए थोड़े से हम इसमें से चांस लेते हैं, दो लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये है एक फ्लावर जिसमें के दो फ्लावर है। तो हो सकता है जैसा कि कार्ड में आपका रीयूनियन होने वाला, अगर थर्ड पार्टी में है तो रीयूनियन के लिए रेडी हो जाइए। ये देखिए कितने सुंदर से चांस है ना, कितने प्यारे से हैं फ्लावर्स, वाओ। और दूसरा है लव के लिए। तो ये तो कंफर्मेशन ही हो गया कि अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम था रिलेशनशिप में तो लव इन द एयर। तो तैयार हो जाइए रीयूनियन के लिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए,